ब्रांड ऐसा हम लोग 2013 में किया था, हमने फर्स्ट लॉन्च किया था। एंड फॉर्चुनेटली नाउ वी आर देयर इन मल्टीपल सिटीज, 52 आउटलेट्स हो गए हमारे, वी आर देयर इन 2 सिटीज। So it's a good brand and in a brand where we have looked at it in such a way कि जहाँ पे if your investment is low, reasonable amount पे investment चाहिए, ये वाला जो brand है ये आप consider कर सकते हो। यहाँ पे हम क्या बेच रहे हैं, we are doing submarine sandwiches and salads जो बहुत ही similar है submarine sandwiches। अगर आप market में देखो सारे options हैं, पिज्जा बर्गर रोल चाइनीज, लेकिन सबवे के जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एंड सबवे एज अ ब्रांड बहुत एक्सपेंसिव है वो ऑन अ डे टू डे बेसिस, उसी हिसाब से हमने हमारा ब्रांड डिजाइन किया है जहाँ पे यू गेट एन ऑप्शन ऑफ चूजिंग अ सबमरीन सैंडविच एट अ वेरी कम्पिटिटिव रेट। क्योंकि हमारा जो मेनू है वो 29 रुपीज से शुरू होके 299 रुपीज तक जाता है। तो ये प्राइस पॉइंट पे कस्टमर कोई भी रहे, जो भी अगर प्राइस सेंसिटिव भी हो या जो प्रीमियम कस्टमर्स है, हम सबको टारगेट कर सकते हैं। जब बात होती है 29 रुपीज में तो हम कैसे अफोर्ड कर सकते हैं ये प्राइस पॉइंट पे, इज बिकॉज हमारा जो मॉडल है वो प्राइमरीली एक डिलीवरी किचन का मॉडल है जहाँ पे आप ये घर से भी ऑपरेट कर सकते हो। अगर आप देखोगे आजकल का भी जो माहौल है, जो ओमिक्रॉन का केसेस बढ़ रहा है, आप मान के चलिए अगर आपने फिजिकल रेस्टोरेंट में इन्वेस्टमेंट कर दिया, कितना इन्वेस्टमेंट आपका वेस्ट में जा सकता है अगर गवर्नमेंट का कोई रिस्ट्रिक्शन या लॉकडाउन है। तो यहाँ पे डिलीवरी किचन एक इसेंशियल सर्विसेज में आ जाता है जहाँ पे आप इजीली घर से भी ऑपरेट कर सकते हो। हम लोग आपको ट्रेनिंग दे देंगे, यहाँ पे बहुत सिंपल है, स्विगी जोमेटो से ऑर्डर लेना है, उसको असेंबल करना है प्रोडक्ट, स्विगी जोमेटो के ड्राइडर्स आ जाएंगे और पिकअप करके चले जाएंगे। तो यहाँ पे एक बिग एडवांटेज रहता है ऑपरेटिंग एज अ डिलीवरी किचन। अगर इस डिलीवरी किचन के बारे में कुछ ज्यादा मुझे बोलना है तो डिलीवरी किचन का एक्चुअली मतलब क्या है, इजी सिस्टम है जहाँ से आप घर से भी ऑपरेट कर सकते हो। एक और किचन प्लान से आपको शॉप लेने की जरूरत नहीं है। आप शॉप लेते हो तो ऑफकोर्स आपके लिए एडवांटेज है, लेकिन अगर आप शॉप नहीं लेते हो, अगर आपको ये घर से ऑपरेट करना है, ये आप घर से भी ऑपरेट कर सकते हो। यहाँ पे आपके एडवांटेजेस क्या हो जाता है कि आपको एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम मिल जाता है विदाउट इन्वेस्टिंग अलग से रेंट में या आदमी की सैलरी के ऊपर। आपको कोई भी हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है इक्विपमेंट में, जो घर 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 का जो सामान है, जो घर का इक्विपमेंट है, वही काफी है हमारे लिए। आपको डिलीवरी के लिए भी कोई हेडेक नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि हमने सब डिलीवरी सिस्टम आउटसोर्स कर दिया है स्विगी जोमेटो को। और यहाँ पे बेस्ट जो चीज़ है कि आप आपके टाइम और कन्वीनियंस से हिसाब से ऑपरेट कर सकते हो। अगर आपका जॉब है, अगर आपका प्राइमरी जॉब या बिजनेस है, क्योंकि आपके पास फ्री टाइम है, आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो किचन, कभी भी आपके पास टाइम है आप ऑन कर सकते हो और ये ऑन। और लास्ट में ये जो भी ट्रांजेक्शन हम करेंगे डिलीवरी किचन में, कुछ भी कैश में नहीं रहेगा, जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो सब आपके अकाउंट में डिपॉजिट किया जाएगा। तो जस्ट टू गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग के जो हमारा डिलीवरी किचन आज का न्यू एज आइडिया है कम्पेयर टू जो ट्रेडिशनल सेटअप है जो फिजिकल रेस्टोरेंट चालू करते हैं, उसमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस अगर आपको उसको डिफरेंस देखना है तो पहले तो डिलीवरी किचन में आपका रेंट का एडवांटेज रहता है जहाँ पे फिजिकल रेस्टोरेंट पे नहीं रहता, क्योंकि एडवांटेज करना पड़ेगा लोकेशन पे। लोकेशन के हिसाब से अगर आपका रेंट ज्यादा रहेगा तो डेफिनेटली आपका इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा रह जाता है। यहाँ पे इंटीरियर कॉस्ट जीरो हो जाता है क्योंकि यहाँ पे कस्टमर नहीं आने वाला है, तो आपको कोई इंटीरियर का खर्चा करना नहीं पड़ेगा। और एक चीज है, यहाँ पे लेबर कॉस्ट भी कम है क्योंकि आप एक स्टाफ मेंबर से करोगे। फिजिकल रेस्टोरेंट में आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा स्टाफ में, एसी में, इंटीरियर्स में, तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चला जाता है इनिशियल में। यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बहुत कम है। आप देखोगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट 2 लाख के अंदर आप चालू कर सकते हो। अगर आप ट्रेडिशनल देखते हो तो 12 से 15 लाख तो आपको बिजनेस शुरू करने से पहले तो आपको इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। यहाँ पे एरिया आप 100 स्क्वायर फीट के हिसाब से भी ऑपरेट कर सकते हो। और बेस्ट जो चीज है कि गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे काबू नहीं होते, यहाँ पे आप कहीं पे भी ऑपरेट कर सकते हो। तो 24 घंटे के हिसाब से आप 7 दिन में ऑपरेट कर सकते हो। एंड बिकॉज हमारा डिलीवरी सर्विसेज में आता है तो लॉकडाउन आए, रिस्ट्रिक्शंस आए, आप ऑपरेट कर सकते हो, जो आपको वो नहीं मिलता है फिजिकल रेस्टोरेंट। हमारे ब्रांड में और एक खूबी है कि जब भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है हमारे ब्रांड में, उसको हम एक ब्रांड नहीं देते, उसको 3 ब्रांड देते हैं। तीनों ब्रांड का स्ट्रैटेजी अलग है, प्राइसिंग अलग है, मेनू अलग है। और जैसे कि अगर आप देखते हो, हीरो ब्रांड हमारा बहुत ही प्रीमियम ब्रांड है, वहाँ पे हम इटालियन सैंडविचेस और मेक्सिकन टॉर्टिया रैप बेचते हैं,
इट इज टारगेटेड ओनली फॉर द प्रीमियम कस्टमर्स. अगर आप हमारा वाटर सैंडविच देखते हो, मिड लेवल एंट्री ब्रांड है, इट इज टारगेटिंग फॉर मिडिल बजट. और पाव मैन जो है इट इज फॉर पाव बेस्ड बर्गर. यहाँ पे हमने अपना टिकट साइज एंट्री साइज लो रखा है. इट इज ओनली टू गेट मोर मास ऑर्डर्स, बल्क ऑर्डर्स, पार्टी ऑर्डर्स, कॉर्पोरेट ऑर्डर. यहाँ पे एडवांटेज क्या हो जाता है कि तीनों ब्रांड अपने एरिया में स्पेशलिस्ट है. कोई अपने ब्रांड के हिसाब से ऐसा नहीं बोलेगा कि मैं यहाँ पे सब कुछ बेच रहा हूँ. मैं यहाँ इटालियन पनीनी सैंडविचेस का ब्रांड का पॉपुलर हूँ, वाटर सैंडविचेस पॉपुलर फॉर सबमरीन सैंडविचेस, पाव मैन में पाव बेस्ड बर्गर मिल जाएंगे. तो हर एक ब्रांड का एक स्पेशलिटी लेवल बन जाता है और आपका जो भी खर्चे है वो बढ़ते नहीं है क्योंकि आप वही जगह से ऑपरेट कर रहे हो. तो आपका रेंट उतना ही है, आपका सैलरी उतना है, आपके इक्विपमेंट का खर्चा उतना है. तो आपने कुछ भी खर्चे आपने ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया नहीं है. आपका खर्चे बढ़ रहे नहीं है लेकिन आपका जो बढ़ेगा वो सेल बढ़ेगा क्योंकि आपके पास अभी 3 एवेन्यूज है सेल्स बढ़ाने के लिए. और एक चीज है कि आपका मार्केट शेयर बढ़ जाता है क्योंकि जैसे आप एक ब्रांड से टारगेट कर रहे हो, एक ही सेगमेंट सोसाइटी को टारगेट कर रहे हो, यहाँ पे 3 अलग अलग ब्रांड मिल जाते हैं तो 3 अलग अलग मार्केट शेयर एडवर्टाइजिंग कम हो जाता है, आपका इन्वेंट्री का कॉस्ट भी कम हो जाता है. और बहुत ऑब्वियस की चीज है कि 3 ब्रांड ऑपरेट कर रहे हैं तो सेल बढ़ेगा, खर्चा नहीं बढ़ेगा, चांस ऑफ फेलियर भी कम हो जाता है. यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन किए हैं कि फ्रेंचाइजी का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. जैसे कि फ्रेंचाइजी का रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ऑर्डर्स बनाना, उसका टाइम मटेरियल पे पेमेंट कर लेना है, उसका जो प्रोटोकॉल हमारा ब्रांड में ब्रांड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेक श्योर कि आपका जो एसोसिएशन है वो ऑनलाइन सेल को सब कुछ मिस्टर हुसैन प्लीज चेक योर नेटवर्क कनेक्शन. मिस्टर हुसैन सॉरी टू इंटरप्ट यू, प्लीज चेक योर नेटवर्क कनेक्शन. वॉइस काफी आपकी क्रेक हो क्या रही है. बस लेबर ज्यादा लगेगा नहीं, हमें एक मिनिमम 1 स्टाफ के हिसाब से भी आप ऑपरेट कर सकते हो. यहाँ पे ज्यादा लेबर की जरूरत नहीं है. यहाँ पे इट्स अ सिंपल प्रोसेस ऑफ असेंबलिंग द प्रोडक्ट, यहाँ पे कुकिंग नहीं रहेगा. सो यहाँ पे इट इज वेरी सिंपल टू ट्रेन द स्टाफ. 2 दिन का वर्कशॉप रहता है हमारा जहाँ पे हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर लेते हैं. और फ्रेंचाइजी के लिए ऐसा नहीं रहता कि उसको अलग से एक डिलीवरी स्टाफ या शेफ या हेल्पर या वेटर या मैनेजर रखना पड़ेगा. वेरी सिंपल प्रोसेस, एक लेबर रखो, लेबर कॉस्ट कम रहेगा, हेडेक भी कम रहेगा. यहाँ पे मटेरियल्स पे भी हम लोग ने देखा है कि सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स के हिसाब से हम लोग कैसे प्रोवाइड करते हैं. हमारे जो भी सिटी जहाँ से हम ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पे ही हम लोग हमारे लोकल वेंडर्स एस्टैब्लिश कर देते हैं. यहाँ पे 2 मैजिक और ब्रिटानिया हमारे सॉसेस कन्फ्यूज और बीबा बनाते हैं. और जो हमारा पैटी है जैसे कि चिकन का रहा, पनीर का रहा, पैटी का रहा, आलू का रहा, पालक का रहा, वो प्रोटीन पार्टनर हमारे ITC है. तो हम लोगों ने क्या किया है कि जो भी फ्रेंचाइजी जहाँ से भी ऑपरेट कर रहा है वही सिटी से आपको माल मिलेगा, ना कि आपको बाहर से माल मिलेगा. मटेरियल विल ऑलवेज बी देयर अवेलेबल फॉर इन 24 आवर्स. डिलीवरी किचन में सेल कैसे बनता है, एक्चुअली अगर आप डिलीवरी किचन चालू करते हो तो स्विगी जोमैटो आपको 4 से 5 किलोमीटर का रेडियस मिल जाता है. 4 से 5 किलोमीटर रेडियस में कैसा रहेगा, अगर कोई स्विगी जोमैटो खोलता है उनको अगर आपका एड दिख जाता है वो डायरेक्टली कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम लोग एक सिंपल स्ट्रेटेजी करेंगे कि अगर आपका 4 किलोमीटर का रेडियस है हम लोग ऐड करेंगे फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्विगी, जोमैटो. तो यहाँ पे हर कोई अगर अपना मोबाइल खोलता है 4 किलोमीटर के रेडियस में और वो ऐप एक्सेस करता है तो आपका ऐड दिख जाएगा. जैसे वो ऐड दिखेंगे वो डायरेक्टली आपके ऑनलाइन ऑर्डर पेज पे चले जाएंगे. तो एग्जाम्पल के तरफ से अगर आपने एक्टिविटी किया है तो फेसबुक आपसे 100 रुपए लेता है आपका ऐड 10,000 लोग को दिखाने के लिए. अगर 10,000 लोग में से अगर 1% ने भी ऑर्डर करना चाहा कि बोलते चलो आज बॉर्डर सैंडविच से मंगाते हैं तो 100 लोग होते हैं. और अगर 100 लोग ने 100 रुपए का भी ऑर्डर किया आपका दिन का सेल हो गया 10,000 रुपए. और यही स्ट्रैटेजी अगर आपने 30 दिन किया तो आपका महीने का सेल हो जाता है 3 लाख रुपए. तो यहाँ पे एडवांटेज क्या हो जाता है कि 3 लाख के सेल के ऊपर आपका प्रॉफिट परसेंटेज रहेगा 20 से 25%. तो आराम से 60-70 हजार का आपका प्रॉफिट दिख जाएगा. तो यहाँ पे कोशिश करना है सेल बढ़ाने की.
3 से 4, 4 से 5, 6-8 लाख लेके जाने के लिए। अगर आपने 5 लाख का भी सेल किया तो आपका प्रॉफिट रहेगा। तो यहाँ पे कोशिश करना है कि फ्रेंचाइजी को कि सेल बढ़ाते जाने। लेकिन अगर कुछ टाइम पे अगर आपका सेल कम भी रहा, अज्यूम करो कि अगर आपका सेल सिर्फ 2 या 3 हज़ार रुपये रहा, अगर आप सिर्फ महीने का सेल 1 लाख कर रहे हो, बहुत ही कम है, लेकिन अगर वो कम सेल में भी आप प्रॉफिट कमा सकते हो करीबन 20 से 25 हज़ार, क्योंकि आपके खर्चे कम है। अगर आपके खर्चे कम है, अगर आपका सेल भी कम रहा, तभी भी आपको प्रॉफिट दिखते जाएगा। दिस इज एन एग्जाम्पल कि कैसे एक डिलीवरी किचन चलता है, एक फ्रेंचाइजी का किचन रहता है जहाँ पे इसके 3 ब्रांड्स हैं, ये प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से वो ऑर्डर्स दे सकते हैं। वहाँ पे एडवर्टाइजिंग करना है, स्विगी जोमेटो फेसबुक इंस्टाग्राम पे आपको एडवर्टाइजिंग करना है, फिर ये एड कस्टमर के मोबाइल पे दिखेगा। अभी आप मान के चलिए कि जितने कस्टमर्स अपना एड देखेंगे उसके हिसाब से आपको रीच मिलेगा, लेकिन अगर कस्टमर ने एड देखा, उसने ऑनलाइन क्लिक करके आपको ऑर्डर आ गया, आपके सिस्टम एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करने के बाद असेंबल करना है। जब आपका ऑर्डर रेडी है, वो रेडी होने के बाद डिलीवरी बॉय आ जाता है और वो ऑर्डर लेके कस्टमर को डिलीवरी कर लेता है। यहाँ पे वीक ऑन वीक सेटलमेंट रहेगा, जो भी आपने वीक ऑन वीक ऑर्डर किए हैं उसका पूरा सेटलमेंट करके आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। 3 इन्वेस्टमेंट मॉडल्स हैं जहाँ पे आप चूज कर सकते हो आपका इन्वेस्टमेंट अप्रोच। अगर आप गोल्ड मॉडल देखते हो तो टोटल इन्वेस्टमेंट जाता है 1,75,000 का, 75,000 फ्रेंचाइजी फी है, 1 लाख का इक्विपमेंट कॉस्ट है, टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाता है 1,75,000। इसमें आपको हमारा सिर्फ एक ही ब्रांड मिलेगा और इसमें रॉयल्टी रहेगा 7% फ्रॉम मंथ वन, जितना भी सेल होता है उसमें से 7% रॉयल्टी चार्ज हो जाएगा उसमें। अगर आप प्लेटिनम मॉडल लेते हो तो उसमें टोटल इन्वेस्टमेंट जाता है 2.25 लाख, 1,25,000 का फ्रेंचाइजी फी है और 1 लाख का इक्विपमेंट कॉस्ट। इक्विपमेंट कॉस्ट दोनों में वही है, लेकिन प्लेटिनम मॉडल में आप क्लाउड भी ऑपरेट कर सकते हो, टेक अवे भी ऑपरेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको 7% का रॉयल्टी चार्ज होगा, लेकिन 1 साल के बाद 12 महीने का रॉयल्टी पीरियड फ्री है। और एक एडवांटेज है कि डिलीवरी किचन प्लैटिनम मॉडल में आपको 3 ब्रांड मिलेंगे, जहाँ के बॉर्डर सैंडविच, हीरो और पावमैन तीनों परफॉर्म कर सकते हैं। तो डायमंड मॉडल है वो हमारा प्रीमियम मॉडल है और टोटल इन्वेस्टमेंट आता है 7 लाख में, 3.5 लाख का फ्रेंचाइजी फी है, 3.5 लाख का इक्विपमेंट सेटअप है, 2 साल का रॉयल्टी फ्री, लॉन्ग वे डिलीवरी और डाइन इन भी कर सकते। ये तीनों ब्रांड का फाइनेंशियल्स है। इसमें 50,000 का डिपॉजिट हम लोग एक्स्ट्रा लेते हैं जो 2 साल के बाद रिटर्न किया करते हैं, और गवर्नमेंट टैक्सेस एक्स्ट्रा। अशोक जी मैं ऑर्डर लू? यस सर। हाँ मैं ऑर्डर लू, राइट? यस यस यू आर ऑडिबल। आवाज आ रही है, थोड़ा सा वॉइस ब्रेक हो रहा है सर, वॉइस ब्रेक हो रहा है, अगर नेटवर्क चेक करें प्लीज अपना, चेक कर लेता हूं। यस नो प्रॉब्लम। अभी हम इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे 3 केस, जहां पे केस 1 में अगर फ्रेंचाइजी मैं यहां अपने घर से ही ऑपरेट करता हूं, तो अगर सेल कम भी रहा, अगर 1 लाख के महीने के हिसाब से भी देखा, तो अभी सब कटिंग करके फूड कॉस्ट, स्विगी जोमेटो कमीशन, यूटिलिटीज एक्सपेंसेस सब काट के आपका नेट प्रॉफिट रहेगा 38,000। यहाँ पे रेंट और सैलरीज देना नहीं, ये जो कॉस्टिंग्स है हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर दिया। जैसे फूड कॉस्ट हमारा 25% रहेगा, उसके ऊपर नहीं जाए। स्विगी कमीशन क्योंकि हमारा खुद का डिलीवरी स्टाफ नहीं है, वो 22% रहेगा, और जो यूटिलिटीज और जो अलग एक्सपेंसेस है वो करीबन 10-15% रहेगा। तो अगर आप देखोगे फर्स्ट केस में नेट प्रॉफिट रहेगा 38,000, लेकिन सेकंड केस देखते हैं, अगर कोई फ्रेंचाइजी बोलता है मैं अलग से एक घर लेता हूँ, एक स्टाफ मेंबर रख के ऑपरेट करता हूँ, ऑफ कोर्स स्टाफ मेंबर रख के आपका सेल आवर बढ़ जाएंगे, जैसे आपका आवर्स बढ़ जाएंगे तो आपका ऑर्डर्स भी बढ़ जाएंगे, और सेल अगर 3 लाख के हिसाब से रहा तो आपका नेट प्रॉफिट 89,000 होता था। और केस 3 में जाओगे जहाँ पे डायमंड मॉडल के हिसाब से कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पर सेल बढ़ जाता है